मारुति सुजुकी अपनी जापानी पेरेंट कंपनी सुजुकी के लिए कबाऊ कूद साबित हो रही है। दुनिया भर में मंदी की आशंकाओं और ऊंची महंगाई के दौर में सुजुकी के लिए उसकी भारतीय यूनिट सबसे बड़ा सहारा बनकर उभरी है। मारुति सुजुकी अपनी पेरेंट कंपनी की जेबें भरने और उसे कारोबार में टिकाए रखने में सबसे बड़ी मदद दे रही है। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इसकी भारतीय यूनिट यानी मारुति सुजुकी से ही आ रहा है। आंकड़ों की बात करें तो 2022-23 की पहली छमाही में एसएमसी में मारुति सुजुकी का सेल्स रेवेन्यू योगदान 7 साल के हाई पर पहुंच गया है। भारतीय यूनिट के जबरदस्त परफॉर्मेंस और कमाई से उत्साहित सुजुकी ने 2022-23 के लिए अपने सेल्स और ग्रोथ आउटलुक को भी बढ़ा दिया है। सुजुकी की पूरी दुनिया में यूनिट सेल्स का 55% हिस्सा अकेले मारुति सुजुकी से ही आ रहा है। दरअसल हाल के दौर में मारुति सुजुकी की सेल्स में तेज रिकवरी हुई है। फेस्टिव सीजन समेत लगातार गाड़ियों की डिमांड मजबूत बनी हुई है। मारुति सुजुकी की पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन को उम्मीद है कि इस साल उसकी सेल्स 30.4 लाख गाड़ियों की होगी। इससे पहले कंपनी ने आंकड़ा 29.1 लाख यूनिट रहने की उम्मीद जताई थी। कंपनी को उम्मीद है कि मौजूदा फिजिकल में मारुति की सेल 21% बढ़ी है। इसी तरह से कमाई की बात करें तो सुजुकी के रेवेन्यू में मारुति सुजुकी का योगदान 2021-22 की पहली छमाही में 30.2% था, जो कि 2022-23 की पहली छमाही में बढ़कर 39.1% पर पहुंच गया। सुजुकी को न सिर्फ भारत में मारुति की सेल्स में आई तेजी का फायदा मिला है, बल्कि उसे रुपए की कमजोरी का भी फायदा हुआ है। इस साल की पहली छमाही में मारुति सुजुकी अपनी पेरेंट कंपनी के लिए सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली यूनिट रही है। मारुति सुजुकी में सुजुकी की हिस्सेदारी 56.37% है। अगर सुजुकी की यूनिट सेल्स की बात करें तो इसमें से 55.6% हिस्सेदारी भारत से आई है। पिछले साल की इसी छमाही में यह हिस्सेदारी 48.3% थी। अगर सेल्स रेवेन्यू को देखें तो इससे साफ पता चलता है कि किस तरह से मारुति अपनी पेरेंट कंपनी के लिए एक पैसा बनाने की मशीन साबित हो रही है। 2022-23 की पहली छमाही में मारुति सुजुकी का सेल्स रेवेन्यू 71.8% बढ़कर 876.6 अरब येन रहा, जबकि इसी अवधि में सुजुकी का सेल्स रेवेन्यू महज 32.5% की रफ्तार से बढ़कर 2,217.5 अरब येन रहा है। अगर एशिया की बात करें तो भी मारुति ने सफलता के झंडे गाड़े हुए हैं। सुजुकी के पूरे एशिया में सेल्स का करीब 85% हिस्सा अकेले मारुति से ही आ रहा है। इस साल की पहली छमाही में मारुति में सेल्स जहां 34.4% बढ़ी, वहीं इंडोनेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, फिलीपींस जैसे देशों में या तो वॉल्यूम गिरा है या फिर फ्लैट रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो जहां दुनिया भर में कारोबारी हालात बुरे बने हुए हैं और कंपनियों को अपने बिजनेस को टिकाए रखने में मुश्किलें हो रही हैं, वहीं भारत में न सिर्फ कंपनियां रोजगार और कारोबार में अच्छी ग्रोथ कर रही हैं, बल्कि अपनी ग्लोबल पेरेंट कंपनियों को भी बड़ी मदद दे रही है।